हेलो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन मेल्स। ठीक है ना, ये कहाँ पे होती है? ये प्रोसेस टेस्टिस के थ्रू होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस ये देखी थी। और नेक्स्ट हमने क्या देखा था? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा था और उसकी कुछ लेबलिंग और उसकी डिटेल देखी थी। आज के टॉपिक में हम देखेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर फीमेल गैमेट्स, जिसको हम बोलते हैं ओजेनेसिस। ठीक है, ओजेनेसिस में किसका फॉर्मेशन होता है? ओवम का फॉर्मेशन होता है। ओवा, ओवा क्या है? फीमेल गैमेट है ना, उसका फॉर्मेशन होता है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल मैच्योर फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड द ओजेनेसिस, विच इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कुछ हद तक थोड़ी सी स्पर्मेटोजेनेसिस के कंपेरिजन में डिफरेंट होती है। ओजेनेसिस में क्या होता है? ओजेनेसिस इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन द कपल ऑफ मिलियंस ऑफ गैमेट्स, दैट इज मदर सेल, गैमेट मदर सेल, जिनको हम ओजीनिया भी बोलते हैं, गैमेट मदर सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ओजीनिया, आर फॉर्म विद इन ईच फीटल ओवरी। ठीक है, अब देखिए इस प्रोसेस में होता क्या है ये आपको बताते हैं। सी, ये दिया हुआ है एक डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ द ओवरी। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे वर्कआउट करती है, स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ, जो ओवम फॉर्म्ड होता है वो किसकी प्रोसेस से होता है? ओजेनेसिस की प्रोसेस से। मतलब कि ओजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है? द फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस। ठीक है, कब स्टार्ट होती है ये? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम स्टार्ट होती है। मिलियंस ऑफ द गैमेट्स मदर सेल्स, दैट इज ओजेनिया, आर फॉर्म्ड इन द फीटल ओवरी। कहाँ पे फॉर्म होते हैं? बहुत सारे जो मदर सेल्स होते हैं वो फीटल ओवरी में फॉर्म होते हैं। ठीक है, दीज सेल्स अंडरगो, अब ये सेल्स कहाँ जाते हैं? मियोसिस में जाते हैं। मियोसिस डिवीजन होता है इन सेल्स का, किसका? मदर सेल्स का। ये जो गैमेट मदर सेल्स हैं जिनको हम ओजीनिया बोलते हैं, ये कहाँ पे जाते हैं? अंडर गो टू द मियोसिस बट गेट टेम्परेरी अरेस्टेड टू द प्रोफेस। कहाँ पे? टेम्परेरी, कुछ देर के लिए इनमें प्रोफेस की कंडीशन होती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी ओसाइट्स। जब ये प्रोफेस की कंडीशन में जाते हैं, मतलब कि मियोसिस डिवीजन में जब ये प्रोफेस डिवीजन में जाते हैं, तब हम इनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी ओसाइट्स बोलते हैं। बिफोर रीचिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के पहले बहुत सारे नंबर ऑफ प्राइमरी ओसाइट्स जो होते हैं डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है ना, प्यूबर्टी के पहले की स्टेज पर जो लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी ओसाइट्स गेट डीजनरेटेड एंड रिमेनिंग वन गेट सराउंडेड बाय द लेयर्स ऑफ द ग्रेन्यूलोसा सेल्स। देखिए बहुत सारे सेल्स होते हैं, सारे के सारे डिजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ जो एक सेल होता है वो किससे सराउंड हो जाता है? ग्रेनुलोसा सेल से सराउंडेड हो जाता है। एंड द न्यूथीसिया, इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फॉलिसल बोलते हैं। इस सेल को क्या बोलते हैं? ये जो सिंगल वाला जो रह जाता है, ठीक है ना, सिंगल ओसाइट्स जो है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फॉलिसल बोलते हैं। अब ये सेकेंडरी फॉलिसल जो होता है इस कन्वर्टेड इंटू द टर्शरी फॉलिसल। कैसे कन्वर्ट होता है? डिवीजन से। कौन से डिवीजन से? मियोसिस डिवीजन से। डेट हैव कैरेक्टरिस्टिक फ्लूड फिल्ड कैविटी, उसमें क्या होता है? एक फ्लूड फिल्ड कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं एंथ्रम। ठीक है, इस स्टेज पर क्या होता है? जो प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं विद इन द टर्श, जो कि टर्शरी ओसाइट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? मियोसिस की पूरी प्रोसेस को कम्प्लीट करते हैं। इस मियोसिस की प्रोसेस के कम्प्लीट होने के बाद हमको क्या मिलता है? एक किसका फॉर्मेशन होता है? हैप्लोइड सेकेंडरी ओसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। किसके बाद होता है? ये जो प्राइमरी ओसाइट्स टर्शरी ओसाइट्स के साथ टर्शरी फॉलिसल में जब इन्वॉल्व होते हैं और एक मियोसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है, तब किसका फॉर्मेशन होता है? हैप्लोइड सेकेंडरी ओसाइट्स का फॉर्मेशन होता है और कुछ पोलार बॉडीज का भी फॉर्मेशन होता है। देखिए ये, देखिए ये एक जनरल सा ओजेनेसिस का डायग्राम है। यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले ये कुछ सेल्स हैं, ठीक है, ये इनको जब ओजीनियम बोलते हैं, ये ओजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। यहाँ से प्राइमरी जब ओसाइट्स बन रहे हैं तो ये प्राइमरी ओसाइट्स हैं। अब इसमें से जब मियोसिस का डिवीजन हुआ तो ये देखिए ये सेकेंडरी ओसाइट्स बनाए प्राइमरी मियोसिस ने, प्राइमरी ओसाइट्स ने मियोसिस वन डिवीजन करके सेकेंडरी ओसाइट्स बनाए, ये हैं सेकेंडरी ओसाइट्स। ठीक है, और कुछ कैसे हैं? ये पोलार बॉडी बना ली कुछ ने, ठीक है ना, कुछ ओसाइट्स ने पोलार बॉडी बना ली, एक सिंगल ओसाइट ने क्या किया? सेकेंडरी ओसाइट्स फॉर्म किया। अब यहाँ से फर्दर डिवीजन होगा कौन सा? मियोसिस टू। ठीक है, मियोसिस टू में क्या होगा कि एक तो ओवम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और ये पोलार बॉडीज एज इट इज रहेंगी,
ये जो ओवम का फॉर्मेशन होता है ये किसमें कन्वर्ट होते हैं, ये जो ओवम है ये किसमें कन्वर्ट होते हैं, एक मैच्योर एग सेल के अंदर कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर क्या है, इस केस में सिंगल सिंगल जो सेल है वही कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए जो टर्शरी, अब ये जो टर्शरी फॉलिसल होता है ये फर्दर किसमें चेंज होता है, जेराफिन फॉलिसल में चेंज होता है, ठीक है ना। और सेकेंडरी ओसाइट्स जो होते हैं सराउंडेड बाय द जोन पैलिडिसिया, ठीक है, पेलिसिडा, देन द जेराफिन फॉलिसल रप्चर्स टू रिलीज द ओवम बाय द ओव्यूलेशन। जो जेराफिन फॉलिसल होता है उसके रप्चर होने पर क्या रिलीज होता है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस से ओवम रिलीज होता है, ठीक है ना। विद द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन द ओवम इज रिलीज बाय द जेराफिन फॉलिसल, व्हेन इट गेट रप्चर्ड देन द ओवम इज रिलीज फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। क्या हो रहा है ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ये प्राइमरी फॉलिसल है, ये प्राइमरी ओसाइट्स फॉर्म हुए हैं, ये ओवरी है, ठीक है, यहाँ पर ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो रही है, सी ये ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो रही है, ये है रप्चर्ड फॉलिसल। रप्चर्ड मतलब कि क्या, ये पहले ये एक प्रॉपर फॉलिसल है, जब ये रप्चर हो गई तो क्या हुआ, सी ये एक प्रॉपर, सी दिस इज द प्रॉपर फॉलिसल, ठीक है। अब अगर ये रप्चर हुई तो इस तरीके से जो है बीच में से ऐसे ब्रेक हो जाना, ये ब्रेक हो जाना, यहाँ से ब्रेक हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गया, मैच्योर फॉलिसल इसमें फॉर्म हो गया, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो ओजेनेसिस का डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम, ये आपकी बुक का है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ओजीनिया है, ठीक है, यहाँ पर मियोसिस, फीटल लाइफ में क्या हो रहा है, यहाँ पर मियोसिस डिफरेंशिएशन, मियोसिस डिवीजन हो रहा है, जिससे कि क्या बन रहे हैं, प्राइमरी ओसाइट्स बन रहे हैं, ये जो है प्राइमरी ओसाइट्स फॉर्म हो गए। इसके बाद क्या हुआ, ये बर्थ चाइल्डहुड और प्यूबर्टी, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, देखिए फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, इससे क्या हुआ कि एक जो ओव्यूलेशन का टाइम है वो कंप्लीट हो गया। इसमें क्या क्या फॉर्म हुआ, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद एक तो पोलार बॉडी फॉर्म हुई और दूसरा क्या हुआ, सेकेंडरी ओसाइट बना, ये प्राइमरी ओसाइट था, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद किसका फॉर्मेशन हुआ, सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब सेकेंडरी ओसाइट्स किस में कन्वर्ट होता है, ओवम में कन्वर्ट होता है, और प्राइमरी फर्स्ट पोलार बॉडी जो है वो फर्दर डिवीजन के बाद किस में कन्वर्ट होती है, सेकेंडरी, सेकेंड पोलार बॉडी बनाती है, ठीक है ना। मतलब कि सेकेंडरी ओसाइट के फॉर्मेशन के बाद ओवम का फॉर्मेशन होता है, ओवम ही क्या है, फीमेल गैमेट है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ओजेनेसिस की प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए हम स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के बीच में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं। कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये ओजेनेसिस है, ठीक है। सबसे पहला डेफिनेशन क्या है, देखो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोजीनिया, ये आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। ओजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द ओवम फ्रॉम ओजीनिया, ठीक है। अब लोकेशन क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ पे हो रही होती है, टेस्टिस में इन मेल्स, ठीक है। ओजेनेसिस कहाँ होता है, ओवरीज इन द फीमेल। नेक्स्ट क्या है, देखिए सी नेक्स्ट क्या दिया हुआ, स्टेजेस, कितनी स्टेजेस होती हैं, ऑल द स्टेजेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। जितनी भी प्रोसेस होती है, जितनी भी स्टेजेस स्पर्मेटोजेनेसिस की, पूरी कहाँ हो रही होती है, टेस्टिस के अंदर हो रही होती है, इन मेल्स। और जो लास्ट, अब देखो ओजेनेसिस में क्या होता है, द लास्ट स्टेज ऑफ द ओजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट। सारी प्रोसेस, सारी जो प्रोसेस है ओजेनेसिस की वो ओवरी के अंदर नहीं होती है, लास्ट स्टेज जो होती है ओजेनेसिस की वो कहाँ होती है, ओविडक्ट में होती है। अब देखो क्या रिलीज होता है ओजेनेसिस, सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या रिलीज होता है, स्पर्म्स आर रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस। ओजेनेसिस में क्या होता है, ओवम आर रिलीज फ्रॉम द ओवरीज, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, नाउ सी नेक्स्ट दिया हुआ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, कौन से टाइप का सेल डिवीजन होता है। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, इक्वल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फोर हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, ठीक है, फोर हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं। कल आपको बताया था कि पूरे डिवीजन के बाद हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स कितने बनते हैं, फोर बनते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होता है, ये क्या है, इक्वल डिवीजन है, ठीक है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस में। और ओजेनेसिस में क्या होता है, अनइक्वल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वन हैप्लॉइड ओवम एंड टू पोलार बॉडीज, कितने बन रहे थे, एक हैप्लॉइड
क्या बन रहा था? ओवम बन रहा था, और पोलार बॉडीज यहाँ पे बन रही थी, वन पोलार बॉडीज, टू पोलार बॉडीज, पहले डिफरेंशिएशन से वन, देन अगेन मियोसिस डिवीजन हुआ तो टू, है ना। और ओवम कैसे बन रहा था? पहले प्राइमरी ओजिनिया बन रहा था, प्राइमरी ओसाइट बन रहा था, देन सेकेंडरी ओसाइट बन रहा था, है ना, ठीक है। अब साइज ऑफ द रिजल्टिंग सेल्स क्या साइज होती है? देखो, स्पर्मेटिड्स जो होते हैं स्मॉलर होते हैं स्पर्मेटो साइट के कंपैरिजन में, और ओवम जो होते हैं ओसाइट्स के कंपैरिजन में लार्ज होते हैं इन साइज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए रोल ऑफ सेरिटोरी सेल्स। सेरिटोरी सेल्स कहाँ होते हैं? आपको टेस्टिस में बताया था सेरिटोरी सेल्स, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ द सॉरी जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द मेल्स जब डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट लेक्चर में, तो वहां पर बताया था सेरिटोरी सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस वाले पोर्शन में। तो टेस्टिस का क्या, सेरिटोरी सेल्स का क्या रोल है? देखो, प्लेज अ सपोर्टिंग रोल ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में सेरिटोरी सेल्स क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू फॉर्म द स्पर्म, है ना, ठीक है। यहाँ पर ओजेनेसिस में सेरिटोरी सेल्स का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ओवरी में सेरिटोरी सेल्स जो है नहीं प्रेजेंट है। ग्रोथ रेट क्या है? द ग्रोथ रेट और द ग्रोथ फेज इज टू शॉर्ट। यहाँ पर ग्रोथ फेज कैसा है? बहुत शॉर्ट है। और यहाँ पर कैसा है? इस प्रोलॉन्ग, ग्रोथ फेज कैसा है? प्रोलॉन्ग है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, सी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? क्वाशेंट और द रेस्टिंग स्टेज। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई भी रेस्टिंग स्टेज नहीं होती है, पूरी स्टेज जो है बहुत ही क्विक होती है और सडन होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? रेस्टिंग स्टेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। सी नेक्स्ट क्या दिया हुआ? रेट ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन रेट कैसा होता है कि स्पर्म्स जो हैं एवरी डे, देयर आर प्रोडक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड एवरी डे। और ओवरी ओजेनेसिस के केस में क्या होता है? वन ओवम इज रिलीज वंस पर मंथ, ठीक है ना, एक ओवम ही रिलीज होता है पर मंथ। अब ड्यूरेशन क्या होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की? टेक्स प्लेस एवरी डे फ्रॉम प्यूबर्टी अंटिल द एंड, ठीक है, प्यूबर्टी से लेकर एंड तक इसकी ड्यूरेशन होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स कैन टेक्स प्लेस एवरी डे फ्रॉम द प्यूबर्टी टिल द डेथ। लेकिन ओजेनेसिस के केस में क्या होता है? जो प्रोडक्शन ऑफ ओवम है वो कब से टेक्स प्लेस कर सकता है? टेक्स प्लेस वंस पर मंथ फ्रॉम द प्यूबर्टी टू द मेनोपॉज, प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक इसकी जो है ड्यूरेशन होती है। कब हो सकता है? वंस इन अ मंथ। और ये कब हो सकता है? एवरी डे हो सकता है फ्रॉम द प्यूबर्टी टिल द एंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फूड रिजर्वेशन। वेरी लिटिल फूड रिजर्वेशन टेक्स प्लेस इन द स्पर्म। स्पर्म में फूड रिजर्वेशन जो है बहुत कम होता है इन, और वहाँ पर ओजेनेसिस में क्या होता है? अ लॉट ऑफ फूड एंड द मेटाबोलाइट्स आर स्टोर्ड इन द ओवम। क्यों? क्योंकि ओजेनेसिस की प्रोसेस के बाद क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ अ एम्ब्रियो, है ना, एम्ब्रियो डेवलपमेंट की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो फूड होता है और मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत सारे कंटेंट होता है, अ लॉट ऑफ फूड आर रिजर्व। मोर्टेलिटी रेट कैसा होता है? मोर्टेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सेल्स। अब जो स्पर्म्स फॉर्म्ड हुए वो कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। ओवम्स कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। ये थे इसके कुछ जनरल डिफरेंसेस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द ओजेनेसिस, ओके। सी अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।